ये संगत जी प्रियंका जी के नाम से जुड़े हैं, इनको पूजा भी हम कहते हैं। तो ये उनकी पुत्री हैं बापू सुभाष जी महाराज की। तो आज सुभाष जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है सारी संगत की तरफ से। आप आई हैं, बहुत सुंदर लगा है। अगर हो सके ना तो फोन को ऐसे रख सकते हैं, थोड़ा और वाइड एंगल पे दर्शन हो जाएंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं वो कोई करना वैसे पड़ेगा। हाँ हाँ जी, 1 लाख से अंदर बहुत कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप पूजा, आप बताएं बापू, हम बापू जी के बारे में हमें कुछ जो जो हमें पता भी नहीं होगा। आप तो उनके पुत्री हैं, तो आपको तो उनके जीवन के बारे में देखो है, चले तो बड़े छोड़ के जल्दी चले गए, लेकिन ये जो इनको ये इनका इनका आना भी सुंदर संसार में, इनका रहना भी सुंदर और जाना भी सुंदर। हम तो बड़ा यहाँ परेशान हुए ना जब गए पिछली बार, एक साल पहले। जी लेकिन ऊपर कितना स्वागत हुआ होगा बापू दया कृष्ण जी, बापू हेमराज जी, बापू कल्याण दास जी, ओम जी महाराज, बापू ज्वाला सिंह जी महाराज, उनके चरणों में गए हैं ना, तो वहां कितना उनका जी स्वागत हुआ होगा। इसलिए उनको खुश हो गई याद करें। मुझे पता है आपके पिताश्री हैं, बड़ा उनको इतना मिस कर रही होंगी इस वक्त, खास करके हर वक्त ही आते हैं, माता पिता की याद तो हमेशा बनी रहती है। तो आप वो कुछ संगत को आशीर्वाद दें, आप उनकी सूत्री आप भी पूजने गए, बताएं कुछ बापू जी के बारे में। हाँ जी, जय बापू दी, ओम बापू ज्वाला सिंह जी महाराज, आपकी सदा आपकी ही जय। सारी बापू जी जय। की बेटी हाँ हूँ। आज मौका, आज मैं आज बोल माँ मा, क्या आज तो मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है। मन कोई बात इतना नहीं, कोई उदास बात और इतनी दूर, आज एहसास हो रहा है कि इतनी दूर आप आउट ऑफ कंट्री हो और आप पहुंच नहीं नहीं पाए हो, तो बहुत ही मन दुखी। और बस क्या जाए। कहें कि लगता तो नहीं है कहीं गए हैं, आज तक हाँ भी ऐसा बिल्कुल जी, लगता है बिल्कुल कि साथ बिल्कुल। है। और बोलते हैं भाई भूतप्रकाश अंकल, कितनी बार टाइम, कई बार ऐसे हो जाता था जॉब की वजह से कि नहीं ज्वाइन हो पाता था। और हाँ मैं बहुत ही बापू जी आशीर्वाद दे सारी संगत को। मैं तो उनके वो शब्द याद करती हूँ जो महाराज जी बोलते थे कि हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे। तो वाह आज वाह, जब वो उनके वो जो वर्ड्स हैं याद आते हैं, पता हाँ नहीं आप बच्चे हो के बेटे हो के, मुझे लगता है कि वो ये क्यों बोल देते थे। शायद हम समझे नहीं, शायद हम समझे नहीं। इतना वाह वाह, मतलब इतना प्यार, इतने पाक पवित्र और इतने प्योर सोल थे वो। बहुत ज्यादा हाँ संगत के लिए, उनके अंदर संगत में उनका वास था सच में। हमने हाँ अपने पिताजी को जीवन में हमेशा संगत के लिए समर्पित देखा है। उनको हाँ इतना हाँ ज्यादा प्यार था, इतना ज्यादा था कि दरबार के लिए मैं क्या क्या कर दूं ऐसा। जिस जगह वो जाते थे, वो जिस जगह वाह, जाते थे वो यही देखते थे कि मैं क्या चीज कर दूं। बेचारे अस्पताल में भी थे तो वहां के पर्दे देख के भी वो बोलते थे, ये पर्दे क्या मंदिर में लग सकते हैं अगर हम इसका इस तरीके से डिजाइन हो। मतलब उनके वाह, हर श्वास में, हर सेकंड हाँ में, मतलब जिस हाँ जगह उन्होंने कैसा जाना, सुन। परमात्मा, मतलब बापू जी उनके रोम रोम में बसे हुए थे इतना हाँ ज्यादा। आज मैं कुछ शायद बोलने के उसमें हूं नहीं, मेरा मन बहुत वाह, ज्यादा दुखी है। मैं मतलब क्यों चले गए वो हमारे, तो इतनी कोई छोटी बात नहीं, उम्र सब में है हमें। कि देखो कहते कि जितना हो, जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कले आवे नानका सदी उठे जाए, उसकी उसकी मौज है। मुझे पता है बड़ा मन आपका बेचैन है, विचलित है, लेकिन उनको हम याद करेंगे ना ऐसे परेशान होकर, तो फिर वो अच्छा नहीं है। तो संत लोग है ना, संतों को है हाँ वो जी, कहते हैं बस ना, मैं वही संत आता है कि मोहे क्या संत, हाँ रोई जी है, कि जो अपने ग्रह वो, जाए, रोवो हाँ संगत जी मोहरे जो घाटों घाट बिकाया। आपको तो मैं पता है, मैं समझता हूँ पिताश्री है, लेकिन हमें उनको खुशी होगी याद करें, हाँ ताकि जी फिर उनको वो भी परेशान ना हो। जब बच्चे हाँ जी परेशान हाँ होते जी हैं ना, तो माता पिता माँ, को वो खुद परेशान होते हैं। हमें उनके हाँ सुंदर जी जीवन, इतना सुंदर जीवन, उनको तो बहुत ही सेलिब्रेट सुंदर, करना चाहिए बहुत उनके जीवन ज्यादा, को। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा पाक पवित्र इंसान, बहुत ज्यादा तो उन्होंने ये बापू देखो जी वो, आखिर तक वो कहते रहे भी संगत में भी, या दरबार भी, हाँ जैसे पर्दे वगैरह ढक से, जी और कुछ सब और उनकी कुछ, बातें बताओ, हाँ कमाल है जी कमाल की। बापू जी
हर किस समय उनको था कि मैंने दरबार के लिए मेरी संगत आ रही है, हर का नाम याद, हर के घर के बच्चों का नाम याद, हर किसी के हाँ परिवार बिल्कुल का सब कुछ। हाँ ऐसे हम कई बार देख के वो होते थे कि कैसे इनको याद रह जाता है, जब 1 सेकंड के लिए भी देखते थे बैठे बैठे, वो उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो इतनी दूर दूर का भी उनका कोई रिश्तेदार था तो वो बोलते थे ये नूरशाह से जुड़े हुए हैं, इनके परिवार के ये बच्चे हैं, उन बच्चों के ये नाम है। इतना ज्यादा उनका दरबार को लेके था। तो बस मैं तो उनके लिए यही बोलूंगी कि जो एक दो तीन लाइन कि बापू हाँ दया किशन का तू साया, हर कण कण में तू है समाया, बापू ओह दया किशन का तू साया, हर कण कण में तू है समाया, सरस्वती माँ का लाल दया तेरा स्वभाव, सरस्वती माँ का लाल दया तेरा स्वभाव, ओम बापू शरणम की निशानी रहे, निशानी रहे। रहे, ओ बापू ओ। और हमें पूरा बापूजी का वो है इतना कि जहां पे भी वो होंगे वो सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे, उस सब वाह पूरी संगत को, दरबार सबको वो दिल से खुशी आशीर्वाद ब्लेसिंग्स वाह ही ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे। इतना ज्यादा हाँ उनको प्यार था। और हमारे को इच्छा है कि हम जितना दरबार का, महाराज जी का, जितना बढ़ बढ़ के जो भी हो सकेगा जीवन में आखिरी सांस तक, हमने उनका वो नाम, उनका जो भी मान सम्मान वो चाहिए था वो बना के रहे। हम बच्चे, हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमारे पिताजी जहां भी हैं वो खुश हों, ठीक हों, सबको आशीर्वाद दें। मन बड़ा दुखी है, पता नहीं आज मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहना चाह रही आपने हूँ। बड़ी कृपा की, आप आ गए, आज बड़ा ही आनंद हो गया ऐसे जय महाराज साहब बस के, पूरी तो रात नहीं मैं उनका सोई, रूप बड़ा है। मन विचलित था, बहुत ज्यादा वाह बेचैनी हो रही थी कि हाँ इतनी अब। लेकिन महाराज जी बस जैसे बापू जी का आशीर्वाद उनपे, उनकी खुश रहे, संगत को आशीर्वाद बना रहे, साथ बना वाह रहे, और ये है बहुत जीवन। देखो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और माता जी की मैं कोशिश की लेकिन नहीं मिल सके, अगर हो सके तो देखते हैं 1 मिनट के लिए, अगर हाँ आके जी दर्शन दे दें माता जी आपके, जो तो बड़ा जो ये बड़ा अच्छा है कि देखो महाराज साहब तो गए लेकिन माता जी ने ऐसा संभाल लिया संगत बहुत ही को, अच्छे, दरबार बहुत को, ही कि ज्यादा। इतना आनंद मिल रहा है संगत को। हाँ मैं बड़ी जी खुशी, उनको देख के इतने सुंदर भजन गाते हैं, प्रवचन करते हैं, बड़ा ही बहुत ही आनंद आ रहा सुंदर है हैं, जीवन में। बहुत बहुत ही अपने उनको तो मिस को भी करेंगे बापू, संभाला स्वाजी अपने। महाराज हाँ को, लेकिन माता जी जी ने खूब अच्छे तरह संभाल लिया है अपने आप को संग। भी संभाला है, संगत को भी हाँ संभाला है, बिल्कुल दरबार को, बिल्कुल परिवार को, बड़ी सबको बहुत ज्यादा। मैं अगली वाह बार जरूर ज्वाइन करके, हाँ मैं अब आज बहुत बापूजी ने बहुत है। शायद मेरा रास्ता खोलना होगा। हाँ आज के दिन आपने शुरू किया, पता है क्या मैं यही बता रहा था, संगत को सिर्फ प्यार नहीं देते थे, आशीर्वाद नहीं देते थे, मान सम्मान भी साथ मान में देते थे। सम्मान इतना मैं बहुत बता नहीं ज्यादा, सकता किस हिसाब से वो बहुत इतना ज्यादा। प्यार देते थे, मैं क्या बताऊं, अभी बड़ा ही सम्मान देते थे। ये बड़ी बात होती है अपने सेवकों को मान भी देना, साथ में प्यार भी देना, आशीर्वाद भी देना, बड़ा ही आनंद उनके साथ, बड़ा समय। बापू दया किशन जी महाराज के दर्शन किए मैंने, बड़ा सुंदर उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और बापू सुभाष जी महाराज जी का भी हाँ बहुत जी सुंदर। बहुत वाह वाह, ज्यादा, बहुत तो मैं ज्यादा। हाँ यही जी यही बता रहा था के वाह जी वाह, कि मैंने मुझे हाँ कि महाराज जी साहब का बड़ा आशीर्वाद रहा है जीवन में। वाह हाँ जी, तो वाह मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला करता, हाँ सारी संगत के साथ ही बड़ा प्रेम था। तो जैसा बहुत आपने ज्यादा, बताया ना, बहुत ज्यादा। अभी जो आपने बताया अभी आखिरी सांस, आखिरी दिनों तक भी हॉस्पिटल में बैठ के दरबार के बारे में सोच रहे हैं, प्रभु के बारे में सोच रहे हैं, संगत के बारे में सोच रहे हैं, तो डोला ने वो जो हमारा वो पढ़े करते हैं वो भजन बड़ा सुंदर है कि हर सांस में हो तू सिमरन निरन तेरा, तेरा,
यूं यूं बीत बीत जाए जीवन जाए मेरा, जीवन तेरी मेरी पूजा करते करते बीते बीत सांझ सवेरे सवेरा हाँ हरी सांस सांझ में हो हम सुमिरन सुमिरन तेरा, तेरा यूं यूं बीत बीत जाए जाए जीवन मेरा। तो हम भी प्रभु से ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं, बापू सुभाष जी से, बापू दया किशन जी से, ओम बापू नारायण दास जी से, बापू शारदा राम जी से, बापू हनुमान जी से, और सभी संतों से, कि हमें भी प्रेमा भक्ति बख्शो महाराज। जैसे वो कहते थे, उठो जागो वीरो प्रेमा भक्ति दी लोड़, ये महाराज बापू शारदा राम जी ऐसा फरमाया करते थे। तो वो हमें प्रेमा भक्ति बख्शे, ऐसा आप भी अरदास करो अपने पिताश्री से, अपने हाँ अपने दादाजी से, ताकि हमें भी थोड़ा संगत इस तरफ, जब जुड़ी हुई महाराज ने जोड़ा है, कृपा की हुई है, तो सत्संग जो 3 घंटे चलता है हमारा, ये बस चलता रहे, ऐसी हम अरदास करते जी हैं प्रभु से, जरूर संतों चलता से, सत्संग। रहेगा। बहुत ज्यादा महाराज जी खुश होते थे, आपका फोन आता था कि दरबार का, वो बोलते थे कि देखो इतनी दूर बैठे हैं, अदर कंट्री में बैठ के भी कैसे हर समय भगवान बापू जी का नाम, बापू जी का, मैंने आपका वो आईटीवी पे भी देखा, आपका अच्छा जो इंटरव्यू आया था मैंने हाँ आपको जी शेयर भी हाँ, किया था, तो अच्छा, बहुत ही अच्छा। वहां पे भी देखो आप बापू जी का दरबार का नाम, मतलब ये बहुत बड़ी बापू जी की कृपा होती है, ये किसी किसी पे होती है, हर कोई नहीं कर सकता, तो बापू जी का थैंक कोई आशीर्वाद ही होता है कोई, कि यू हाँ जैसे आपका ये प्रेरणा दी हुई है बापू जी ने, वो आशीर्वाद बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको, बापू जी की परिवार को, सारी संगत को जो भी थैंक साथ में जुड़ते हैं, बहुत बड़ी चीज होती थैंक है ऐसे रोज समय हाँ जी हाँ निकालना जी और तभी बापू जी हो को पाता याद है ये। करने हाँ से। जी हाँ जी हाँ थैंक, जी, ये नहीं सब तो नहीं जुड़ते है। हैं तो हो पाता है। यहाँ 3 घंटे कहाँ, खुद मैं बैठ के सोचू मैं भजन गा लूंगा या बापू की महिमा कर लूंगा, कहाँ होता है ना जी ना। तो सारे मिलके जो नहीं नहीं वो, और तो भी प्रभु को बहुत अच्छा अच्छा लगता है कि लगता सारे है, मिलके, बहुत हाँ अच्छा लगता जी है। मुझे लगता है आज सच, वो शायद मेरे को बापू जी नहीं आपसे जोड़ना था, वाह आज वाह उन्हीं का दिन है, शायद आज सही। उन्हीं नहीं जोड़ना था, हाँ मुझे ऐसा हाँ फील हो रहा है खुद से। तो आप देखिए जितने आप भी कब से समय बोल मिला रहे आप थे। हाँ जुड़ा कीजिए, जी बड़ा अच्छा जरूर लगेगा, जरूर संगत को जरूर, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं भी उनको क्या कर सकते हैं उनके लिए, एक हम जो भी भजन एक याद करके कुछ भी है, मेरे को भी मिलेगी प्रेरणा, मैं भी साथ में हाँ जुड़ू, मुझे भी बहुत सुंदर, बापू जी आशीर्वाद दें। हाँ वाह वाह। संगत जी ये प्रियंका जी हैं, इनको पूजा भी प्यार से बुलाते हैं सब, और जी ये न्यू जर्सी में होती है आजकल, जी यहाँ न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के पास ही न्यू जर्सी स्टेट है अमेरिका में, तो वहां पे होती हैं। तो आप सब एक एक करके इनको, इनसे बात करके, इनसे कोई पूछना है या कुछ, इनको महाराज जी साहब का, आप खुद का, आपका कोई रहमत का किस्सा बताना हो तो आप प्रणाम कर सकती हैं भाई, प्रणाम भी कर सकते हैं आप, उनकी उनकी वंश है आप, बापू दया किशन जी, बापू सुभाष जी, महाराज सब बाप, संगत में उनका वास है, सब संगत उनका में उनका अंश है वास आप, वाह हाँ जी। सारे सारे कर लो नागपत, सारे नमस्कार कर लो, है। बस नमस्कार जी, जय जय बापू बापू, दी जय जय बापू दी अंग, जय बापू बापू दी। दी, हाँ जय जी, बापू दी। मैंने हाँ आज ही ना वो 1994 की एक वीडियो भेजी, उनमें सुभाष बापू अभी गद्दी ऋषि नहीं हुए थे, तो बहुत ही अच्छा सुंदर, जी, माता जी को भी दिखाई थी मैंने वो, अच्छा वाह अच्छा 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 भेजिएगा, मुझे भी भेजिएगा। जय जय नाइनटी बापू फोर दीदी। में जय, ना, हाँ जी हमारे जय ग्रुप में बापू डाली जी, है, हमारे ग्रुप में अच्छा अच्छा आपने ग्रुप में लिंक डली दिया था हुई है। ना, हाँ जी मैं हूँ, वी हाँ लविंग जी डॉट हाँ, में, वी लविंग डॉट अच्छा में, उसमें उसमें लिंक है, डाली है। अच्छा हाँ जी जी हाँ अच्छा जी जी, मैं देखूंगी मैं हाँ देखूंगी, हाँ जी नाम हाँ बहुत अच्छा लगता है आप सबको हाँ देख के। हमारे तो वहाँ मंडी गोविंदगढ़ में रहते थे ना, तो हमारे घर में आते जाते थे, तो जी अच्छा, जीवन अभी मेरा, जीवन जो है मेरा जय भांजा है, बापू, उसके अच्छा भी जी आते थे, तो उन्होंने अच्छा उधर जी, हमारे घर में जो भजन गाए थे ना, वो खेवट वाली की कथा बहुत गाते थे वो, तो हाँ वो जी आज मैंने यही सुनाई है, खेवट वाली, अगर पार अच्छा, जाना हाँ जी चाहते के हो। चाहते हो भग, हाँ जी हाँ वो बहुत उनको फेवरेट थी बहुत, उनकी, तो हाँ जी हाँ जी हाँ मैंने जी आज यही सुनाई है, अब इसकी वीडियो में देख लेना, बाद में आएगी ना रिकॉर्डिंग वाली, तो उसमें हाँ वो जी मैंने वो जय बापू जरूर दी जी, जरूर, जरूर, हाँ जी जय बापू जय दी, जय अभी बापू शाम जी को है, जय हमें बापू जी की, जय बापू पूजा जय ही है, बापू दी, जय जय बापू बापू दी, जी, जय जय बापू बापू जी। दी।
जय प्यार बापू जी, कर जय दे बापू महाराज महाराज जी। जी को जाना, आपकी सेवा अरे करते, बड़े आपके घर में ऐसा बैठे था हैं ना, हम। हाँ जय बापू अरे जी, जय जय बापू बापू जी, जी, जय जय बापू। बापू जी, आप सभी संगत जय को बापू जय जी, सच्चिदानंद जी, बस जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जी, जय जी, हमारे जय बापू पाकिस्तान में जी। ना। हाँ जी, हाँ जी, पाकिस्तान में हमारे पिताजी के मित्र थे अपने बापू दया किशन जी। दया किशन जी। हाँ अच्छा, जी, वाह जी, हाँ बहुत उनके साथ हम बस इकट्ठे हुक्का पीते थे ना जो। हाँ हाँ जी, जी, मेरे हाँ नाना जी के भी बड़े परम मित्र, बहुत बहुत बहुत, प्यार हाँ उनको मेरे जी, नूर नाना साहब जी के में भी साथ, हमारे पिताजी के साथ, मिंटकों वो में उनमें रहते थे बड़ी, हम तो नूर शाह में, वहीं वहां बहुत मित्र थे। एक हाँ वो जी, मित्र थे, एक महंत खान चंद जी जो जलंधर वाले हाँ थे, जी, मैंने वो नाम भी सुना है। हाँ महंत जी, खान चंद, हाँ हाँ जी, बापू स्वीकृत दया किशन जी करें, महाराज ऐसे। हाँ हाँ जी, जी, तो एक हाँ बार जय पूरा बापू जी, बापू दया किशन जी महाराज पूरी ऐसे कर लिया था, तैयारी कर ली थी जाने की ना, बेहतर कार होती थी बाइक, ड्राइवर ने सारा सामान उनको कैरियर के ऊपर बांध, सारी तैयारी होगी जाने के लिए। अब और से एक हफ्ता रुके थे, तो क्या वो नाना जी का साथ वाला घर था मेरे ताई जी का, वहीं पे रुके थे। तो वहां के मेरे माता श्री ना बहुत सुंदर गाते थे, बड़ा प्रेम भाव पूर्ण, बड़े सुंदर गाते थे। तो उन्होंने वो भजन पढ़ा के फूल ना मांगो खिड़ दी जावा, जरा ना मैं मुरझावा ए दिल जामदा। तो ये बड़ा उनको बोलते, सतगुरु प्यारे तेरे दर्शन मन मेरा मोलिया, जन्मदा कुकर्मी मन गुरु चरना दे वेच धोलिया, मम हिरदे तव चरण टिकावा, ज्योति ज्योत मिलावा ए दिल जा। वो जाते हुए महाराज जी की माता जी ने कहा मैं एक भजन गा, ये वाला भजन गाया तो महाराज जी इतने दयाल हो गए, दया के भंडार, दया कृष्ण भंडार प्यारे, बिल्कुल सदा ओम धुन में है सरसार प्यारे, ये पिताजी ने लिखा है। तो वो वाला भजन सुनते ही कहते ड्राइवर को, मैं नाम भूल गया उसका, तो वो कहते अभी वो निकाल ले सामान सारा उतार दो, यही रहेंगे अभी 2 4 दिन और। इतना इतना बहुत प्रेम, ज्यादा इतना बहुत मान ज्यादा बहुत देते, ज्यादा था, बहुत बड़ा ज्यादा था। हाँ जी, प्रेम उनको पाया है। हाँ सुभाष जी, हाँ जी जी, महाराज भी बहुत सुंदर, बड़ा उनका ऑरा ऐसा सुभाष जी महाराज का, जहाँ बैठते थे शहनशाह की तरह, हाँ जी, उनके हाँ जी, पिताश्री भी बहुत और ज्यादा, खुद भी, हाँ जहां जी, हाँ बैठते थे जी, आनंद हो जाता था। वाह वाह। हाँ जी, अभी हाँ जी, अभी संगत जी कोई और कोई कोई शेयर करना हाँ चाहता है कोई बुद्ध बात बुद्ध कोई पुकार जी, जैसे भी। हाँ जी, अभी गुरु पूजा पे गए थे सहारनपुर, अच्छा, हाँ तो जी, हाँ जी, वहां एक भगत जी बता रहे थे कि मैं मेरे यहाँ लड़की हुई, तो उन्होंने फोन किया सुभाष बापू जी को कि इसका क्या नाम रखना है लड़की का। उन्होंने कोई ठंडा शेंकी, कोई नाम, शेंकी की बेटी, हाँ जी, शेंकी की हाँ बेटी। उन्होंने नाम ऐसे बताया ना कि भाई रिद्धि रख लो या सिद्धि नाम रख लो, दोनों में एक नाम रख लो। तो उन्होंने कहा जी चलो रिद्धि नाम रख लेते हैं। अब उसके यहाँ दोबारा लड़की हुई, जब सुभाष बाबू जी चले गए तो उन्होंने माता जी को फोन किया, गुरु माँ को। गुरु माँ ने कहा कि मैं 5 मिनट बताती हूँ आपको, फोन करती हूँ। 5 मिनट फोन करा तो उन्होंने कहा नाम इसका सिद्धि रख दो। हाँ जी, हाँ सतनाम। जी, हाँ ओ जी, बाबू हाँ सुभाष जी, जी हाँ जी, महाराज, आपकी माई का हाँ देख जी, लो जो ऐसा है अभी। मैं तो कह रहा हूँ उन्हीं की जोत है वैसे, इनकी इनका हाँ जी, प्रभु इनकी लंबी उम्र करे, इनको स्वस्थ रखे और इनका आशीर्वाद बना रहे माता मिथिलेश जी को हाँ महाराज जी, का हाँ जी, पावा। हाँ जी, हाँ जय जी, बहुत जयकार, ज्यादा, बहुत हाँ सुंदर। जी, हाँ और जी, आप आ गई तो ये थोड़ा सा देखो रौनक आ गई सारी नहीं मुझे सब बहुत संगत अच्छा लग रहा है, मुझे चेहरे ऐसा पे। लग रहा है जैसे मुझे महाराज जी मिल गए हैं मेरे को सो सच जय जय में ऐसा जय जयकार, मुझे ऐसा, वाह जैसे वो संगतों में ही वो बसे हुए थे, तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि वो वाह। संगत में ही जैसे उनका वास था, तो मेरे को संगत से मिलके मैं इतना, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं इतनी बेचैन थी, रात भर नहीं मैं सोई, लेकिन अब मुझे वो ऐसा लग रहा है वो मिल गए मुझे, जय हो, जय मतलब पता जय। नहीं इसीलिए शायद आज आज मिलाया हो। वाह, आज सुबह हमने अमृतवाणी का पाठ उनके निमित्त किया था सुबह। अच्छा वहाँ अच्छा अच्छा इंडिया में सुबह के अच्छा हिसाब से कल रात को था या सैटरडे नाइट को भी होता है अमृतवाणी किया, अच्छा अपना, सैटरडे वैसे नाइट सैटरडे नाइट सुभाष को जी रात के, को 10 बजे से 11:30 बजे तक, वहां पे ना साढ़े अच्छा सात से 9 बजे तक,
तो वो भी होता अच्छा है। जी, तो वहां पे वो दिन चढ़ गया था, बापूजी का दिन आ गया था, नहीं अब तो मैं वहां पे जुड़ूंगी, अमृतवाणी का मुझे पाठ तो ये किया आ रहा था है कि हमने। मेरे को आज महाराज जी ने ही जोड़ा है संगत से, हाँ, तो तो वो शायद मतलब एक मौनिका है, वो रुकमणी मानिका अभी आई है, तो उन्होंने वो पाठ किया अमृतवाणी का ना, तो फिर का श्री राम वाले। हाँ पाठ जी, किया उनके लिए। आज का दिन उनके लिए सारे जो भी भजन कीर्तन हुआ है, भजन कीर्तन हाँ सारा उन्हीं के जी, नहीं सुबह नहीं मुझे मेहरबानी तो खुद मेरे को भी यही है कि मेरे को आपसे जुड़ाया उन्होंने बस आज। लेकिन देखो, ओहे और पता है क्या है कि वो तो खुद मतलब के प्रभु का अंश है, संत जन जो होते हैं प्रभु के अंश, लेकिन फिर भी आज के जो आज का जो सत्संग का जो सुबह हुआ है, शाम को है, तो सत्संग का सारा फल महाराज जी के चरणों में, बस उनको वहां पे वहां से हमें भी आशीर्वाद बात देते रहे, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद ये दें। हाँ हम ऐसा एक आस है, एक ऐसा विश्वास है, जी, ऐसी जरूर जरूर अरदास। हाँ जी, जरूर जी, हाँ जी, कोई, हाँ जी, कोई और कांता बहन जी, कोई किसी और ने कोई मारा है या कोई बस और कोई रोना उन्हें? नहीं, हाँ जी, शालू जी के चार लाइन सुनाने लगे थी ना बापू जी दिया, वो सुन लो जी, शालू जी को। हाँ, हाँ सोनिया, जी, सोनिया का भी बड़ा प्रेम, सोनिया भी आपके वहां पहुंची थी जब महाराज जी के ना, हाँ जी, सोनिया वहाँ रुद्रपुर के पास है, होती है सोनिया, और किच्चा, ये हाँ भी, हाँ ये भी वहां पे महाराज दरबार में पहुंची थी वहां पे हाँ पिछले जी, हाँ जी, जय साल। हाँ जी, बापू जी, दर्शन करवाए थे जय महाराज जी, बापू, महाराज जय बात बापू, बताए थे। जय बापू, जय बापू, जय हाँ बापू, जय बापू, जय सिमरन बापू, है, जय पूनम है, ये बापू, जय बापू, हाँ मान्या बापू जी का एक फेवरेट भजन गाना चाहती हूँ। हाँ जी, एक हाँ जी, दो मिनट पहले जरूर, शालू जी को गा लेना दो, शालू जी के बाद आप गा। ओके, जरूर हाँ शालू जी सुनाओ, नीचे पर रोक रहे थी ना। अच्छा, गाओ जी अपनी तेर वाले आपकी सदा। सदा। मैं भी वही भजन बोल रही हूँ जो महाराज जी के बाद माता ही ने भी 2 बार, माता ही के मुंह से सुना मैंने 2 बार ये। हाँ अच्छा, जी, दरवाजे सुनाओ उनके। बंद कर देना, ठीक है। होती पूजा होती है जिस है घर जिस में, घर में मेरे सतगुरु सतगुरु बाकी सब अपना म्यूट कर लो रोज प्लीज, आप म्यूजिक कर लो। नागपाल जी, आप भी सभी म्यूट। हाँ आज जिस घर में मेरे सतगुरु रोज आते, वहां घरे घर में उजाला करते हैं, सबकी झोलियां खुशियों से भरते हैं, जो भी आरती पूजा करे सतगुरु जी का दर्श करे, जो भी आरती पूजा करे सतगुरु जी का दर्श करे, मेरे सतगुरु आते वहां, श्री आरती पूजा होती है जिस घर में, मेरे सतगुरु रोज आते वहां, अपने भक्तों के रहते पास सदा, सिर पे रखते दया का हाथ सदा, रहमत के भंडारी सारी दुनिया इन्होंने तारी, रहमत के हैं भंडारी सारी दुनिया इसने तारी, मेरे सतगुरु रोज आते वहां, श्री आरती पूजा होती है जिस घर में, मेरे सतगुरु रोज आते वहां, जो श्री आरती पूजा करे सतगुरु उसके ही घर में वास करे, सतगुरु कृपा करते हैं शान से झोलियां भरते हैं, सतगुरु कृपा करते हैं शान से झोलियां भरते हैं,
मेरे सतगुरु रोज आते वहां, इनकी माया को कोई ना जान सका, अपने भक्तों को देते हैं मान सदा, इनकी माया को कोई ना जान सका, अपने भक्तों को देते हैं मान सदा, जिसने इनसे प्यार किया उसका हरदम साथ दिया, जिसने इनसे प्यार किया उसका हरदम साथ दिया, मेरे सतगुरु रोज आते वहां, श्री आरती पूजा होती जी है जिस घर में, मेरे सतगुरु रोज आते वहां। वाह जी वाह, बहुत सुंदर अच्छा शालू जी, के रिश्ता शालू जी और सोनिया। हाँ मैं उधर गई हूँ ना, मैं जी, इस बार उधरपुर गई हूँ ना, मेरा अच्छा मेरे भाई के गुरु भी बिंद्रावन के हैं, जब मैं उनके घर में गई तो सुभाष जी महाराज और दया किशन जी महाराज का स्वरूप रखा हुआ है। मैंने अपने वाह भाई से बोला, मेरी छोटी बहन एक इच्छा में रहती है उसने भी रखा हुआ, क्योंकि महाराज अच्छा जी रुद्रपुर में बड़े सत्संग करते थे, बैंकेट हॉल जाते हाँ थे, इधर बिल्कुल मुंबई बिल्कुल, में रुद्रपुर उनके मंदिर में बहुत सारे जाते थे, कहते हैं गदरपुर हमें बड़ा ही बड़े सुंदर अच्छे था। लगते थे, जबकि उनके गुरु और हैं, लेकिन उन दोनों हाँ के घर में उनका स्वरूप देखा मैंने, अपनी मम्मी वाह, के घर में बहुत देखा बहुत महाराज जी का सुंदर, स्वरूप, बहुत प्रेम। गदरपुर कहते में हैं इतना भव्य मंदिर जी। बनाया उन्होंने, हाँ बहुत सुंदर। हाँ जी, मैंने महाराज जी नाइन सुभाष जी का देखा, तो मैंने अपने भाई से पूछा, मैंने कहा तुम तो उनको मानता, तो उनकी कैसे ले आया प्रतिमा, कहता बहुत अच्छा सत्संग करते थे, इनको बस इनकी याद, मेरे को इनको देख के ना मेरे मन में कुछ होता है, मैंने इनका वाह, स्वरूप ला के रखा हुआ है। जय हो। क्योंकि ये दिया बड़े मेरे सुकून भाई। को इतना कंट्रोल था, ये शायरी और ये हाँ जी कबीर साहब के दोहे और इतनी बहुत ही सुंदर ज्यादा जो बोलते एग्जाम्पल्स थे, देते थे, और एकदम बोलते पिन थे। ड्रॉप मैंने साइलेंट, जब वो चाहे एक रुद्रपुर घंटा हो या में रहने पूरा भी प्रवचन, एक दो बार सत्संग अटेंड किए हैं, इतने इतने बहुत हाल सुंदर हो जाते थे प्रवचन। पूरे, जो हाँ पूरे जी, हाल हो जाते बहुत थे इनके ज्यादा, सत्संग, बहुत ज्यादा, बड़ा बहुत साथ में ज्यादा। सोनिया संगीत के साथ एक बार गाना, बड़ा ही आनंद मिलता था। हाँ जी सोनिया भी, सोनिया हाँ जी लगवा लो जी, सोनिया भी लगवा, हो। सोनिया हाँ आप जी अनम्यूट कर लें और आप लगवा लें। पूनम जी भी जुड़ी हुई है, सिल्की की मदर लॉ भी, तो आप भी अगर आप, हाँ जी लगाओ लगाओ सोनिया क्विकली। श्री सुभाष बापू जी महाराज आपकी सदा सदा ही पूजा, जय, बापू दया किशन जी महाराज आपकी आपकी सदा सदा ही जय, गुरु जय, माँ मिथिलेश जी महाराज आपकी आपकी सदा सदा ही जय। जय, जय में ऐसा जानती प्रीत करे दुखे होई, नगरी की धार प्रीत की प्रीत करियो हो, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूरो कहे ओ, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूरो कहे, क्या होती है आंसू क्या पीड़ा होती है, क्या होती है आंसू क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है क्यों आंखें रोती है, एक बार आंसू तो बहा कर देखो सावरिया, राधा यू रो कहे ओ, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो कहे, जब कोई सुने कान्हा
तेरे मन के दुखड़े जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब कोई सुने कान्हा तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुनकर देखो सावरिया, राधा यू रो रो कहे ओ। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो रो कहे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा क्या होती निराशा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सावरिया, राधा यू रो रो। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो रो कहे। पनघट पे मधुवन में वो इंतजार करना, कहीं शाम तेरी खातिर यू घट घट के मरना। पनघट पे मधुवन में वो इंतजार करना, कहीं शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार करके देखो सावरिया, राधा यू रो रो कहे ओ। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो रो कहे, वाह जी वाह। बहुत राधा यू रो कहे, राधा यू रो कहे। जय बापू जी। जय बापू जी, जय राधा जी की जय। कृपा सुंदर बहुत सुनाया सुंदर, बड़े प्रेम पूर्वक आपका बापू जो जी। घर ये पे आप आप जब भी आते हैं गदरपुर में, हमारे घर जरूर आते हैं फेरा डालने, चंदन डालने अपने। अच्छा तो वाह। मुझसे कहते हैं, सोनिया बेटा सबसे पहले आप मुझे भजन सुनाइए। तो वाह, मैं ये महाराज जी भजन का एक तैयार फेवरेट करती भजन थी बापू था जी ये। की। हाँ जी हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल। पहले भी सुनाया शुरू सर। शुरू से मैं जैसे बोलती थी, बापू जी हमेशा याद करते थे, सोनिया बच्चा को बुलाओ भजन सुनाए पहले, सोनिया बच्चा को बुलाओ। बहुत ही वाह, प्यार ऐसे सीने से लगाना मुझे आके घर पे, जैसे जैसे मेरे बहुत सारे ज्यादा दुख ही प्यार। दूर हो जाते थे। क्या वाह क्या वाह, मुझे आप बहुत सबसे मिलके ऐसा लग रहा है, मेरे को महाराज जी मिल गए आज। जय हो, हमारे एक बार मेरे मायके जय में एक बार हमारे घर पे किसी के घर पे आए, तो वहां पर मैं पहुंची नहीं थी, तो स्पेशल मुझे वहां पे बापू जी ने बुलाया कि सोनिया नहीं आई। मैं लेट अच्छा। पहुंची थी, बेटी परेशान कर रही थी तो इसलिए मैं पहुंच नहीं पाई जल्दी। तो फिर मैंने वहां पे लेट पहुंची, फिर अंदर रूम में जहाँ रेस्ट कर रहे थे वहीं पर बापू जी ने मुझसे कहा कि भजन बोलिए। नहीं वाह नहीं बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर बहुत सुंदर। हाँ हाँ पूनम जी, पूनम जी कोई और हाजिर लगाना, समय सबसे तो हो गया वैसे समय। हम कोशिश करते हैं अभी यार 10:30 पे है पूनम जी, तो 10:30 तक कोशिश करते हैं मुंह डालने। लगी कभी कभी जो ऐसे ऐसे आज कुछ खास गुरु जो माँ जी भी लेकिन बीच में आई उसमें थोड़ा थी, समय ज्यादा लग जाता है। हाँ जी, अभी दो अभी लाइनें घर पे बापू गुरु जी माँ जी भी की। आई थी कुछ दिन पहले जब यहाँ पे भंडारा हुआ था। अच्छा हाँ 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 जी हाँ जी जी, गुरु माँ जी हाँ भी जी घर पे आई थी, बहुत खुशी हुई अच्छा आई एकदम से।
ऐसे बापूजी, ऐसे लगा कि बापूजी ही घर पे आ गए हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल जी, बहुत ही उन्हीं की ज्यादा जोत है अचानक ही बापू सुबह कॉल आ जी। गया कि आज शाम को आ रहे हैं, तो बस वाह इतनी खुशी नहीं के सारा दिन कैसे बीत गया तैयारियों में पता ही नहीं चला। हाँ जी नहीं बहुत बहुत सुंदर, ज्यादा बस प्यार ही बहुत संगत हाँ तो जी ऐसा है। हाँ जी। ठीक बस इसी बस आपके साथ जुड़ी रहूं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी। चलो नहीं इतनी नहीं बापू जी समझ नहीं आशीर्वाद है देंगे हमें बहुत। भजन सत्संग कीर्तन की। नहीं, बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा सब सुंदर। हम सब साधक हैं, सभी विद्यार्थी हैं, सब हाँ जी महाराज अपने आप हमारी, ही मैं कृपा तो अभी आप करते भैया आप थे। मानोगे नहीं, हाँ अभी ना मैं बापूजी की जैसे जो जला रही थी तो आरती वगैरह कर रही थी, तो मेरे को ना आपका ख्याल आ रहा था। मैं कैसे सतना मन में आ रहा था कि बुद्ध भैया हमारे घर पे आए, घर में रौनक सी लग जाए, ऐसी में फूल में समा हुआ ऐसा लग रहा था, जैसे आरती में मैं भगवान जी की कर रही हूँ लेकिन मेरी आंखों में ध्यान आप जी का था। सतना ये मैं आप क्या ये बा भैया जब हाँ भी कहीं आएंगे रुद्रपुर तो भैया को जरूर घर पे बुलाऊंगी। ध्यान जरूर ऐसे आए, सब जरूर करते लेकिन तुम्हारी भैया किसी खुशकिस्मती होगी। के घर पहुंचते ही नहीं है, ध्यान तो वाह हम सब ऐसे ही जी करते हैं लेकिन पहुंचते नहीं है भैया। वो ना नहीं, ईशा मैं ने मुझे आऊंगा। बोला था कि फरवरी में भैया आ रहे हैं रुद्रपुर, चौबीस हाँ 26-27 तारीख को आ रहे हैं फरवरी की, तो मैं बस बहुत खुश थी। मैं चलो भैया आएंगे तो मैं बुलाऊंगी, भैया आएंगे तो बुलाऊंगी, फिर आपका वाह कैंसिल हो गया यहाँ आना, फिर आप सीधा वहीं चले गए। हाँ नहीं, जरूर प्रभु कृपा करेंगे, जो भी अंजाला है तो जरूर आएंगे, वहां पे आपको सबको मिलेंगे। ये देखो जो जो बापू जी है ना, वो तो ऐसे मान बस देते ही है ऐसे ना। तेरा था ना भैया, अभी ऐसे लगा है ना मैं जब आरती कर रही, पूरी आरती मैंने पढ़ ली है लेकिन ध्यान में ऐसा कि आप घर पे आए हो, खूब सारी तैयारियां कर रही हैं और बस मैं आपसे बातें कर रही हूँ, बस यही मेरे ख्याल में आता गया। थैंक यू सोनिया फॉर योर लव। बरा पता क्या है, मैं ये कह रहा था जो संत लोग है ना, महाराज जी साहब तो सारे, मैं भी बता रहा है बापू दया किशन जी, बापू हरभुआ जी, सारे संत लोग, ये बापू लामबड़े वाले सारे दरबारों पे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देते हैं, मान भी देते हैं। हाँ वही ये संगत कर रही है, ये संगत अभी है। जी मैं तो बहुत एक अदना सा सेवक हूँ बापू जी का, और मुझे मान देते हैं, ये वो करने वाला है जो प्रभु जो है ना, इतना ये जो आप प्रेम इतना भैया मान देते हैं ना। आप जी में बापू जी का ही रूप दिखता है भैया। और जैसे सतनाम है, आप अपनी सतनाम संगत को काफी सतनाम शिक्षा देते हो, काफी हमारे माँ माँ कुछ सीखने को मिलता है आप जी एक से। सेवक की इतना बन जाए उनके, तो ये जो है ना, ये मुझे वो रैदास जी की है, दो लाइनें याद आ रही है, ये सब वो मान देने थोड़ा वालों है कि पैरीपोन ऐसी पापा जी, लाल पैरीपोन बस सत्संग चल जो रहा था, दूर सत्संग है। हाँ करी हेलो बेटा, है कि महाराज जी ऐसी पैरीपोन अंकल जी। हाँ ठीक है अंकल जी। हाँ जी सब ठीक है अंकल जी, बस सत्संग बापूजी का सत्संग जोड़ के बैठी थी। देखिए बापूजी क्या का सत्संग में जुड़ी हूँ, सब सत्संग कर रहे हैं। बताया। फादर इन लॉ है, फादर इन जय लॉ। जय बापू जी, बहुत सुंदर, हाँ जी चलो नमस्कार है आपको, आपको भी बधाई, हाँ आपकी जी, वो डॉटर इन ना लॉ कहीं इतना इस बाहर तरह जुड़ी हुई है, बहुत सुंदर बात है। बाहर गए हुए ना लखीमपुर, तो कल की वापसी है, 2-3 दिन से हाँ गए ठीक हुए हैं, है सोनिया, ठीक यूपी लखीमपुर गए हैं। वाह। हाँ जी ये जो हाँ हाँ ये जी तो भैया ये इसमें पूजा, ये जो जो मान सम्मान जो हाँ संत थे ना, जी ये उसकी कृपा है। मामा जी पैरीपन हाँ हाँ जी हाँ जी, बहुत हाँ ज्यादा बहुत देखो बहुत ज्यादा। ज्यादा पता क्या है, भैया। ये जो पता क्या होता है, ये जो मान, ये प्रभु करवाने वाला कौन है कि हाँ ऐसी जी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरो, गरीब निवाज गोसैया मेरो, माथे छत्र धरे, माथे छत्र धरे ऐसी लाल
तुझ बिन कौन कर। ये प्रभु के अलावा कौन करता है, ये जो मान सम्मान मिलता है इस जीवन में, ये सब उनकी कृपा है। बापू जी के आशीर्वाद, बापू जी का बहुत प्यार, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मुझे आज भी ध्यान है। हम बहुत छोटे हुआ करते थे, आप आते थे, दया किशन जी महाराज जी हमारे दादाजी, वो उनका वो रूम होता था आगे जाके, तो मुझे आई स्टिल रिमेम्बर आप पूरे परिवार के साथ जब आते थे, और बहुत ज्यादा प्यार हमने तो बचपन से हम संगत के साथ देखते आ रहे हैं, दादाजी फिर हमारे पिताजी सब संगत के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा मान सम्मान प्यार सब कुछ, मतलब पूरा जीवन ही उसी में ही समर्पित है, मतलब दादाजी फिर पिताजी सबका ही देखते आ रहे हैं, और अब हमारी मदर कर रही है, माता जी कर रही है, तो वो और अच्छा लगता है वो देख के कि वो चीज बड़ी ही है। वो शुरू से आपके माता श्री को जब बापू जी थे तो तब कितनी देर से इतने स्माइल हाथ, शी हैज कांस्टेंट स्माइल ऑन हर फेस, संगत को देख कितनी खुश होती है, आरती पूजा सारा बड़ी सेवा पहले से कर रही है। बहुत ज्यादा। हाँ जी, बस ये बापू जी का ही आशीर्वाद होता है, वो ही हिम्मत देते हैं तो वही होता है। नहीं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे को महाराज जी मिल गए हैं संगत के रूप में, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। बड़ी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बहुत सुंदर। वाह, चलो माता जी को ना हमारी तरफ से सारी संगत की तरफ से प्रणाम करना चाहते हैं। कोशिश की थी लेकिन बात बन नहीं पाई, उनसे बात वहाँ पे वहाँ भी संगत बड़ी आई होगी ना, क्योंकि वहाँ पे इतना फंक्शन हुआ है, तो उनको नहीं बात नहीं बन सकी। चलो कोई बात, ठीक है, तो विश्राम की तरफ चलें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमें तो महाराज जी साहब गए नहीं, प्रोग्राम हर साल होता था, अब जब से वो गए 2 साल से प्रोग्राम ही नहीं हुआ, बीमार हो गए। रोहिणी में होता था वो उषा अरोड़ा जी और हाँ जी ऑर्गेनाइज करते थे बंसल भवन में, जाना और इतना प्यार देना, हमेशा कहना मैं सूरत गया, आपके घर भी गया था, अजय जी बुलाते हाँ जी अजय भैया, हाँ जी हाँ जी, जाता हूँ तुम्हारे घर जरूर होके आता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमारे बच्चे एक बार बाहर से आ रहे थे तो ऐसे ही गाड़ी रास्ता लिखा होता सहारनपुर, बेटे ने कहा गाड़ी मोड़ लेते हैं महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं, मैं फर्स्ट टाइम गया, तो कहते दरबार में जा रहे हैं कुछ तो लेके जाए, उसको बोला प्रसाद दे दो, बेटी बांध दी महाराज जी का, महाराज जी प्रसाद लाया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने खरीदा, मेरे पापा खरीदते हैं, मुझे नहीं पता कैसा है, महाराज जी कहते हैं बेटा ये तो बहुत अच्छा है, प्रसाद नहीं है ये, तुम्हारा एक प्यार है, और प्यार है अगर तुम कैसे, अगर तुम नहीं, उन्होंने उसी टाइम खोली पेटी आम की और सब में बांट दी, कह रही आम तो बहुत स्वादिष्ट लाए, इतना प्यार, खुश होते थे हर बार, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ही खुश होते थे। अभी भी माता जी आए थे सतपाल जी के वो आए थे, बड़ा आनंद आया, काफी देर हम बैठे रहे, पास बिठाया, इतना प्यार दिया, इतना अच्छा लगा, माता जी कहते मेरी तो जिंदगी संतों के साथ बड़े अच्छे से बीत रही है, तुम्हारे लोगों में प्यार बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, उनका भी पूरा समर्पण हो गया है संगत को, बहुत ज्यादा।